गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पुनर्बलन कौशल, लेक्चर टू। लेक्चर वन में हम लोगों ने पुनर्बलन कौशल के परिचय, अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोगों ने पुनर्बलन कौशल के कुछ और भाग को भी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पुनर्बलन कौशल के प्रकार के बारे में। पुनर्बलन कौशल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पुनर्बलन और एक ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन और एक ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन ऐसा पुनर्बलन जो शाब्दिक या अशाब्दिक किसी भी रूप में हो, जिसके माध्यम से बालक की उपलब्धि पर बढ़ावा हो, उसे धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। यानी धनात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन है जो शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी होता है हो सकता है, लेकिन उसके माध्यम से या उस पुनर्बलन की सहायता से बालक की उपलब्धि में बढ़ावा हो। यानी बालक जो भी उपलब्धि प्राप्त कर रहा है उसमें उसे बढ़ावा मिले, वह क्या है? धनात्मक पुनर्बलन। जैसे बालक कोई कार्य कर रहा है तो अच्छा किया, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा, उससे भी अच्छा किया तो बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, या ये तो हो गया हमारा शाब्दिक पुनर्बलन। और शाब्दिक पुनर्बलन सर हिलाकर भी हम कह सकते हैं जी। ऐसे क्या होता है, सर हिलाकर हम बोलेंगे शाब्दिक पुनर्बलन हुआ, या किसी संकेत के माध्यम से भी कह सकते पुनर्बलन हम लोग दे सकते हैं, ताली बजाकर या बेंच या डेस्क को थपाकर। ये सब हमारा क्या हुआ? धनात्मक पुनर्बलन हुआ, जिससे बच्चे को उत्साह वर्धन होता है, जो कार्य कर रहा है, जो उपलब्धि उसे प्राप्त हो रही है उसमें और बढ़ावा मिल रहा है, उसको और बढ़िया से बढ़िया करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये हो गया हमारा धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है? शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। जब हम गुड, वेरी गुड, नाइस, अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया या कह के कुछ भी पुनर्बलन करते हैं तो ये हमारा शाब्दिक हो गया। या उस बेंच को थपथपाकर या सर हिलाकर या ताली बजाकर जो हमें उसे पुनर्बलित करते हैं वो हो गया अशाब्दिक पुनर्बलन। दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन, ऐसा पुनर्बलन जो बालक की उपलब्धियों में बाधक सिद्ध हो, उसे ऋणात्मक पुनर्बलन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बालक को कोई कार्य करता है, सीखता है, हर हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति या बालक हो कोई भी कार्य को सीखता है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं। तो अगर थोड़ा सा त्रुटि सीखने वक्त में हो गया तो हम एक शिक्षक होने के नाते अगर बालक को निरात्मक पुनर्बलन देते हैं तो उसके अंदर बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, उस कार्य को सीखने की चेष्टा नहीं करता है। जैसे हम कह सकते हैं बागो तुमसे एक नहीं होगा, तुम नहीं सीख सकते हो, जीवन में कभी ये कार्य नहीं कर सकते हो, तो क्या हुआ? ऋणात्मक पुनर्बलन हुआ। कोई भी काम किया हम कुछ नहीं बोले तो क्या हुआ? ऋणात्मक पुनर्बलन हो गया। कोई उत्साहवर्धन नहीं करा रहे हैं उसका, न अच्छा बोल रहे हैं न खराब है। कोई भी कार्य कर रहा है तो उसे हमेशा डांट रहे हैं, टपट रहे हैं, कर तुमसे ऐसा नहीं होने वाला है। अशाब्दिक पुनर्बलन में भी ये होता है कि बच्चा कोई कार्य करने के लिए तत्पर है, आप सर हिलाकर कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो या कोई अच्छा काम किया आप ताली नहीं बजाए, तो ऐसे क्या हुआ? अशाब्दिक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन हो गया। तो एक बच्चे को अगर हमें अच्छा से अच्छा कार्य कराना है, उसे उत्साहवर्धन करना है, उसमें बढ़ोतरी कराना है, जो कार्य कर रहा है उसके प्रति उसे जागरूक करना है और अच्छा से अच्छा ढंग से कार्य कराना है, तो उसे
शाब्दिक या अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन देना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। वर्तमान समय में पुनर्बलन को बहुत स्थान दिया गया है। आज के समय में वर्तमान समय में सरकार द्वारा एक नियम भी बना है कि एक शिक्षक या अभिभावक अपने बच्चे को कभी भी ऋणात्मक पुनर्बलन न दे, कभी उनसे न बोले कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, या गलत शब्द बोलकर उसे तुम मूर्ख हो, तुम गधा हो, ऐसा शब्द कभी नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक शिक्षक और एक अभिभावक को हमेशा अपने बच्चे को धनात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। एक कर्तव्य है एक अभिभावक और एक शिक्षक का कि अपने बच्चे को हमेशा धनात्मक पुनर्बलन दे, उसका उत्साह वर्धन करे, किसी कार्य के प्रति जागरूक करे, उसे उसके अंदर ऐसा जिज्ञासा उत्पन्न करे कि वह जो भी कार्य कर रहा है उसे और अधिक से अधिक करने की प्रयास करे और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करे। एक अभिभावक और एक शिक्षक का परम दायित्व होता है। पुनर्बलन कौशल की उपयोगिता। पुनर्बलन कौशल से छात्रों के उत्साह में वृद्धि होती है। छात्र अधिक से अधिक उत्तर देने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इससे अन्य छात्रों में भी प्रेरणा होते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे कक्षा कक्ष का मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंटिंग हो गया है थोड़ा सा, वातावरण आनंदमय बन जाता है। वातावरण नहीं होगा यहाँ पे, वातावरण होगा, मिसप्रिंटिंग हो गया, सॉरी इसके लिए। चलिए अब हम जानते हैं कि कोई भी कौशल हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक धनात्मक कौशल होता है, सॉरी एक वांछित व्यवहार का घटक होता है, एक अवांछित व्यवहार घटक, दो घटक होता है। घटक के माध्यम से ही हम लोग अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं और जो कुछ हमारे अंदर बुराइयां है उसे दूर करते हैं और जो कुछ अच्छाइयां है उसे हम लोग छात्रों को प्रकट करते हैं। तो वांछित घटक और अवांछित घटक, यानी पुनर्बलन देते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वांछित व्यवहार घटक हमें करना चाहिए, एक शिक्षक को हमेशा ऐसा करना चाहिए। अवांछित व्यवहार घटक ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा प्रशंसा करते रहना चाहिए बच्चे को, हमेशा कभी नकारात्मक प्रभाव उस पर अंदर नहीं विकसित करना चाहिए। यानी एक शिक्षक या छात्र अध्यापक अपने छात्रों को हमेशा प्रशंसा करे, तुम ऐसे हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम इस काम को और अच्छा से अच्छा कर सकते हो, तुम इसमें और सुधार कर सकते हो तो और बढ़िया हो जाएगा। यानी हमेशा प्रशंसा करते रहें और उस कार्य के प्रति उसका रुचि उत्पन्न करते रहें, उसे जागरूक करते रहें कि वह अधिक से अधिक इस कार्य को कर सके। अवांछित व्यवहार घटक में होता है प्रशासनात्मक प्रश्नों का कथनों का प्रयोग नहीं करना। यानी कभी हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हमेशा बच्चे को बुराई कर रहे हैं, तो इसे क्या होता है, बच्चे के अंदर हीन भावना का विकास हो जाता है, वह किसी भी कार्य करने के लिए तत्पर नहीं रहता है। तो इसलिए हमें बच्चे को प्रशंसा भी करते रहना चाहिए। हाव भाव तथा अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना। एक शिक्षक का दायित्व होता है कि अपने छात्र को पुनर्बलन करने के लिए हाव भाव या अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करे। यानी बहुत अच्छा, बढ़िया, या सर हिलाकर, ठीक है, या अशाब्दिक रूप से भी हो गया, सर हिलाकर या थपथपाकर बेंच और नकारात्मक में हो जाएगा या अवांछित व्यवहार घटक में हो जाएगा। हाव भाव तथा अन्य शाब्दिक संकेतों का नहीं प्रयोग करना, ये हो गया हमारा अवांछित। कभी हमेशा पुनर्बलन करते समय हाव भाव और अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है पुनर्बलन के समय छात्रों को शरीर को स्पर्श नहीं करें। ये वर्तमान समय में एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, पुनर्बलन देते समय एक शिक्षक का बैड हैबिट होता है कि छात्रों के पास जाते हैं और उनके पीठ को थपथपाते हैं। एक शिक्षक को कभी भी किसी भी छात्र हो, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, उसका पीठ कभी नहीं
थपथपाना चाहिए। वर्तमान समय में एक शिक्षक को कभी भी अपने स्टूडेंट को बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। शरीर को स्पर्श करेगा तो वह नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। हमेशा शाब्दिक दीजिए या शाब्दिक दिया और बॉडी से अलग रखकर किसी भी छात्र को या छात्रा को बॉडी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक आदर्श टीचर का एक बहुत बड़ा गुण है कि वह किसी भी छात्र या छात्रा को पुनर्बलन दे रहा है, पुनर्बलित कर रहा है, तो उसके बॉडी को टच नहीं करें। अगर पुनर्बलन देते समय छात्रों के शरीर को स्पर्श कर रहा है तो यह हो गया अवांछित व्यवहार घटक, यानी कभी भी किसी छात्र को बॉडी को टच नहीं करना है। एक आदर्श शिक्षक का वो नेक्स्ट चलते हैं, छात्रों के विचारों एवं भावों से अपनी सहमति प्रकट करना, यानी कभी कभी एक आदर्श टीचर का दायित्व तो होता है कि वह छात्र के भावों को भी सहमति दे, उसके भी मन को जाने, उसको भी विचार को जाने और उसे सहमति करते हुए उसे पुनर्बलन करे। सिर्फ ये नहीं कि मैं ही जो हूँ मैं ही हूँ, छात्र मैं जो बता रहा हूँ सही है, छात्र जो बता रहा है वह गलत है, ऐसा नहीं। अगर छात्र भी उस प्रश्न का उत्तर दूसरे शब्दों में दिया है और सही है तो उसके मत को भी हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक का ये बहुत बड़ा अच्छा आदर्श गुण होता है कि छात्र के विचारों और भावों को भी सहमति प्रकट करना चाहिए। ये नहीं कि हम जो बता रहे हैं वो सही है, छात्र जो बता रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। छात्र भी उसी प्रश्न का उत्तर दूसरे शब्दों में दे सकता है, अगर सही है तो उसके विचार को भी स्वीकार करना एक शिक्षक का दायित्व होता है। छात्रों के विचारों या भावों से अपनी सहमति प्रकट नहीं करना, यानी छात्र के विचार और भाव को एक शिक्षक नहीं मान रहा है तो ये क्या है, अवांछित व्यवहार घटक हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। छात्र के व्यवहार को भी हमें मानना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों को सही उत्तर को श्यामपट पर लिखना चाहिए। अगर कोई छात्र सही उत्तर दे रहा है तो उसे श्यामपट पर एक शिक्षक का दायित्व है कि उसे लिखे। नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग करना, कभी कभी नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पुनर्बलन कौशल के प्रकार, उपयोगिता एवं महत्व, उसके घटक, वांछित घटक और अवांछित घटक के बारे में अध्ययन किए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पुनर्बलन कौशल के बारे में कुछ सीखें और अपने शिक्षण कार्य करते समय पुनर्बलन कौशल का प्रयोग अच्छा से अच्छा तरह से कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।